charter, union and its territory topic. Yesterday we have completed formation of constitution, means making of Indian constitution, and today we will do union and its territory, means संघ और संघ शासित क्षेत्र. संघ के अंदर कितने क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे हमको एक डिफरेंस करना पड़ेगा. यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देयर इज टू मच डिफरेंस. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मीन्स जहां पे या तो उपराज्यपाल होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहां पे सीएम होंगे, ऐसे दो ही स्टेट है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी. और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सब में अभी तक प्रशासक है. यहाँ पे एक और एडिशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दिल्ली और पुदुचेरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वो भी ऐड हो जाते हैं. तो ऐसे चार यूनियन टेरिटरी हैं, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पे उपराज्यपाल हैं और वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं. अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चीफ मिनिस्टर का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन वहां पे उपराज्यपाल दिए गए हैं. अंडमान निकोबार में भी उपराज्यपाल हैं. तो अगर हम देखा जाए उपराज्यपाल कुल जितने यूनियन टेरिटरी में हैं, सबसे पहले अल्फाबेटिक की चालू करते हैं, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है, प्लस लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ये भी हमारे यूनियन टेरिटरी है. ये यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है. अब देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मींस क्या. यूनियन मींस एक संघ, एंड इट्स टेरिटरी मींस इस संघ के अंदर आए हुए राज्य, स्टेट्स. इफ वी टॉक अबाउट यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, वो भी एक हद तक ठीक होगा. अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी, वो कंप्लीटली डिफरेंट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है एक बार ये भी देख लेते हैं. टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी की बात करेंगे तो टेरिटरी के अंदर क्या आएगा, यूनियन, स्टेट प्लस इफ इन केस इंडिया भी एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी, इन दैट केस दैट टेरिटरी विल बी आल्सो कवर्ड इन टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ यूनियन, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्वायर्ड. आंसर हमने किसी को एक्वायर किया है, सो आंसर इज यस, सिक्किम, दीव दमन, गोवा, पुदुचेरी हमने एक्वायर किया है, ये एक्वायर्ड टेरिटरी है. सो डिफरेंस इज क्लियर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में. ओके, सो फर्स्ट वी क्लासिफाई यूनियन एंड टेरिटरी. यूनियन मीन्स यूनियन ऑनली कवर्ड
स्टेट, वेर इज टेरिटरी तो वन स्टेट प्लस यूटी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी एक्वायर्ड एरिया. सो इन दिस केस विच इज बेटर यूनियन ऑन टेरिटरी, आंसर इज ऑब्वियसली टेरिटरी. यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिमिनरी क्वेश्चन, वंस यूपीएससी ऑन लास्ट अबाउट यूनियन एंड टेरिटरी. सो यू हैव बीन क्लियर अबाउट विच इज बेटर टेरिटरी और यूनियन, बिकॉज यूनियन ओनली कवर स्टेट एंड टेरिटरी में स्टेट यूटी एंड एक्वायर्ड दोनों आते हैं. सो बातें बात करते हैं कौन से आर्टिकल से आते हैं, तो आर्टिकल 1-4 में यह सब मेंशन है. आर्टिकल 1 वर्सेस आर्टिकल 2 वर्सेस आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 3. आर्टिकल 1 इज व्हाट? आर्टिकल 1 मींस इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. आर्टिकल 1 मींस इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनियन मींस आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 मींस यूनियन और उसके अंदर स्टेट आते हैं. ठीक, अब आर्टिकल 2 देख लेते हैं. आर्टिकल 2 किसके लिए? अगर इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करता है जो कि करंट में इंडिया में नहीं है, जैसे एक्विजिशन ऑफ गोवा, दीव दमन, पुदुचेरी, इन सब का एक्विजिशन किससे हुआ? बाय यूजिंग आर्टिकल 2 इंक्लूडिंग सिक्किम आल्सो, आर्टिकल 2 से हुआ. और एक स्पेशल केस बताते हैं, एक बार आर्टिकल 2A भी ऐड हुआ था ओनली फॉर सिक्किम. सिक्किम का इशू ऐसा था कि पहले तो वहां के राजा ने बोला कि पब्लिक हमारे साथ, हमारी पब्लिक इंडिया के साथ आना चाहती है, लेकिन हम वहां पे किंगशिप राजा बने रहेंगे. तो गवर्नमेंट ने इसको ऐड करने के लिए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, आर्टिकल 2A लेके आए जिससे कि सिक्किम की पब्लिक, सिक्किम की ऑटोनॉमी इंडिया के अंदर आ जाए, लेकिन वहां पे एक राजा रहे और उनका हेड एक राजा रहे वो सिक्किम का राजा. तो इसके लिए आर्टिकल 2A आया था, लेकिन बाद में वो राजा थोड़ा बिगड़ गया और वहां की पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया. वहां की पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया तो सिक्किम की पब्लिक ने पूरी तरह इंडिया को रिक्वेस्ट किया, हम राजा को हटा के खुद इंडिया में आना चाहते हैं लाइक एनी अदर स्टेट. तो इसलिए आर्टिकल 2A को कैंसिल कर दिया गया. आर्टिकल 2 को यूज करते हुए सिक्किम को आर्टिकल 1 के थ्रू इंडिया का एक स्टेट बनाया गया. सो आर्टिकल 2A खत्म हो चुका है, लैप्स हो चुका है. आर्टिकल 2 अभी भी है, अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करना है, किसी विदेशी क्षेत्र को हमें एक्वायर करना है, तो आर्टिकल 2 से होगा. और आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? आर्टिकल 3 बात करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट, मींस अगर किसी नए स्टेट को फॉर्म करना है विदिन टेरिटरी, विदिन इंडिया की टेरिटरी में किसी नए स्टेट को फॉर्म करना है तो आर्टिकल 3 के यूज से हो सकता है. अभी आर्टिकल 3 का यूज हुआ था, जम्मू कश्मीर का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर नया यूनियन टेरिटरी बना, तो इसका रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है आर्टिकल 3 के थ्रू हुआ है. जितने भी नए स्टेट फॉर्म होते हैं लाइक उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो भी नेचुरल फॉर्म है सब आर्टिकल 3 के थ्रू है. सो क्लियर यूनियन एंड टेरिटरी. अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी नया स्टेट फॉर्म कैसे होता है. आफ्टर 1947 हमने हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे कमिटीज बनी थी. सबसे पहली कमेटी धर कमेटी आई. धर कमेटी ने टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के ऊपर नया स्टेट बनाने को बोला, जो कि टोटली पब्लिक ने उस टाइम रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद जेडीपी कमेटी, जवाहरलाल वल्लभ भाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों तीन इंडिया के सेक्शन से आते थे. पट्टाभी सीतारामैया साउथ से, जवाहरलाल नेहरू नॉर्थ से, वल्लभ भाई पटेल वेस्ट से. और ये तीनों को लिया गया कमेटी में. तीनों ने पार्शली पार्शली बात किया. कभी इन्होंने बात किया किसी स्टेट के लिए कि इनको लिंग्विस्टिक बेसिस से बना देना चाहिए,
किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो कि टोटली फेल था। इतने पे एक पोट्टी श्रीरामुलु थे उस टाइम आंध्र प्रदेश में, जो कि आंध्र तमिलनाडु का पार्ट था। वो आंध्र वाले तेलुगु लिंग्विस्टिक होने की वजह से एक नए स्टेट पर डिमांड कर रहे थे। पोट्टी श्रीरामुलु हंगर स्ट्राइक पे थे, आफ्टर 56 डेज उनका डेथ हो गया हंगर स्ट्राइक से। तो वो रिवॉल्ट काफी बढ़ गया और फिर अचानक नेहरू ने उस टाइम आंध्र प्रदेश नए स्टेट का लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक्सेप्ट कर लिया उसका डिमांड। तो ये आग काफी बढ़ गई, फिर सारे स्टेट ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड करने लगे। फिर फजल अली कमेटी बनी, फजल अली कमेटी ने पूरा स्टडी किया, जो हमको आज नए स्टेट दिखते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ये फजल अली कमेटी की देन है। तो अब फजल अली कमेटी ने तो स्टेट बना दिया, सारे नए स्टेट बनते कैसे वो देख लेते हैं। अगर कोई भी नया स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ की डिमांड हो रही है, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्टेट की डिमांड हो रही है, वहां पर टोटल यूपी को 5 पार्ट में डिवाइड करना, लाइक पूर्वांचल, हरित प्रदेश और बहुत सारे डिमांड है, और ईस्टर्न स्टेट में भी इसी तरह की डिमांड चल रही है। तो देखते हैं कोई भी नया स्टेट फॉर्म कैसे होता है। तो नया स्टेट फॉर्म होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि वो पार्लियामेंट करती है। कोई भी नया स्टेट फॉर्मेशन का काम पार्लियामेंट करती है, और कोई भी नया बिल नए स्टेट फॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट में जाने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। सेकंड थिंग, प्रेसिडेंट की अप्रूवल से, लेकिन प्रेसिडेंट पहले उस बिल को कंसर्न असेंबली भेजता है। असेंबली चाहे उस कंसर्न स्टेट की असेंबली, जिससे वो नया स्टेट फॉर्म होगा, जिसकी बाउंड्री उसके साथ अल्टर होगी। चाहे अगर चार स्टेट को तोड़ तोड़ के नया स्टेट बनाए, तो चारों असेंबली में से प्रेसिडेंट को एक उनको ओपिनियन जानना है। आई एम सेइंग ओपिनियन जानना है, ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। तो प्रेसिडेंट ओपिनियन पता करने के लिए कंसर्न असेंबली भेजता है, वह असेंबली अपना ओपिनियन देती है। ओपिनियन में भी यस हो या नो, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट उसको मूव ऑन करता है। सेकेंड थिंग, आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट की अप्रूवल से नया स्टेट बन जाता है, न्यू स्टेट फॉर्म। ओके, न्यू स्टेट फॉर्म। आई होप इतना क्लियर है अभी तक। देन देखते हैं और आगे, अगर किसी नए स्टेट में या फिर ओल्ड स्टेट में उसकी बाउंड्री को अल्टर करना है, चेंज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो इसका पूरा पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। कोई भी कंसर्न असेंबली, कोई भी कंसर्न स्टेट इस बारे में एग्रीमेंट नहीं कर सकता। लाइक अगर आप देख रहे होंगे कि जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में एक डायलॉग चलता है कि बेलगाम को लेके आपस में डायलॉग कर लेंगे, भले डायलॉग ये कर लेंगे, लेकिन इसका अप्रूवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ही होगा। जब तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं होगा, कोई भी नया स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर या चेंजेस नहीं हो सकती। इवन किसी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है, वो भी पार्लियामेंट ही करेगी। पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम है। फिर आगे आते हैं कि और इसका जो मेजर क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई नया स्टेट फॉर्म हो रहा है, कोई नया स्टेट की बाउंड्री में चेंज हो रही है, तो वो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? No, Article 368 related with constitutional amendment. So अगर कोई नया स्टेट फॉर्म होता है, तो उसके बनने या किसी स्टेट के लैप्स होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी नहीं है। सेकेंड थिंग, इंडिया में नए स्टेट बन सकते हैं और जो ओल्ड स्टेट है वो खत्म भी हो सकते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी नहीं है किसी भी स्टेट की, उनके इंटीग्रिटी, किसी भी स्टेट का वो स्टेट बने रहेगा, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, कोई गारंटी नहीं देता। यह सेंटर की ड्यूटी है कि वो सारे स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। सेंटर की ड्यूटी है
कि वो सारे स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा हर कंडीशन में। सो यूनियन एंड टेरिटरी काफी छोटा टॉपिक है, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आते हैं बस इतना ही। और अगर देखा जाए तो आप लोग इसको होमवर्क में ले सकते हैं कि कब कौन सा स्टेट बना और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना, ये हमको थोड़ा भी करंट में चीजें हो रही तो देखना पड़ेगा, स्पेशली रिलेटेड विद जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा, आर्टिकल 3 का यूज करके वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। एक जम्मू कश्मीर रिस्ट्रक्चरिंग बिल आया था, वो बिल पास हुआ और जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो गया आर्टिकल 3 का यूज करते हुए, तो भी एक करंट में न्यूज में है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन आने के चांस है, और भी कंसर्न जो भी स्टेट सर्विस लाइक एमपीपीएससी यूपीपीएससी के एग्जाम भी आ रहे हैं, एमपीएससी में भी चांस है, जो भी स्टेट सर्विस या फिर एसएससी सीजे रेलवे जो भी करंट अभी वैकेंसी आने वाली है उसमें इस टॉपिक से चांस है। सो इस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों का भला हो सके। थैंक यू।